हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम यहां पर पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक। आज हमारी निर्देशांक ज्यामिति का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद हम अपना शुरू करेंगे द्विघात समीकरण, जो कि बीच में छूट गया था। द्विघात समीकरण के बाद में हम लोग कवर करेंगे ट्रायंगल को, इसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम अपने क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। तो हमारे पास जो दे रखा है वो दे रखा है क्वेश्चन कि शीर्षों 0, -1, 2, 1, 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमको ज्ञात करना है इससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, और तथा दोनों क्षेत्रफलों का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। अब देखो, इतना सारा लंबा सवाल पढ़ने से मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। देखो, हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो बच्चों देखो, समझो पहले। बोला कि ये तीनों क्या हैं, त्रिभुज के शीर्ष हैं। अगर मैं इसे ए पॉइंट कह दूँ, इसे बी कह दूँ, इसे सी कह दूँ, तो फिर एक ट्राइंगल बनेगा आपके पास। तो ट्राइंगल आपके पास क्या बनेगा, हम यहाँ पर ट्राइंगल बना लेते हैं। मैंने यहाँ पर ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया है, ठीक है, त्रिभुज ड्रॉ कर लिया है। इस त्रिभुज का नाम मैं दे देता हूँ ए बी सी। क्या नाम दे देंगे इसका हम, ए बी सी। और इस ए बी सी त्रिभुज में क्या है, इसमें जो है आपका कोई इसके मध्य बिंदु है। तो जैसे कि मैं इसका मध्य बिंदु मान लेता हूँ डी, इसका मध्य बिंदु हो जाता हमारा ई, और इसका मध्य बिंदु मैं मान लेता हूँ F। तो ये मेरे मध्य बिंदु हो गए। और उसके बाद बोला कि मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मध्य बिंदुओं से जो त्रिभुज बनेगा वो आपका इस तरीके का बनेगा। अगली बात समझ में, अगर हम मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का ट्रायंगल मिल जाएगा। और हमसे पूछा है इस वाले ट्रायंगल का एरिया, ठीक है, जो हमारा रेड कलर से बना हुआ है, इस वाले ट्रायंगल का एरिया हमसे पूछा गया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट्स लिख लेते हैं। ए पॉइंट हमारा दिया है 0, -1, और हमारा जो बी पॉइंट दिया है वो क्या दिया है, 2, 1 दिया है, और हमारा जो सी पॉइंट दिया है वो 0, 3 दिया हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो हमारे ई एफ और डी बिंदु हैं इनको कैसे निकालें। तो देखो, ये जो डी है ये बी और सी का मध्य बिंदु है, यानी इसके बीच में आता है। तो यहाँ से हम मध्य बिंदु के निर्देशांक वाला फॉर्मूला लगाकर निकाल सकते हैं। जैसे डी के निर्देशांक हमें चाहिए, ठीक है, तो डी के जो निर्देशांक हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं, वो हम कैसे निकालेंगे। तो आपके लिए फार्मूला लगा देंगे हम, x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2। याद है आपको मिड पॉइंट फार्मूला बताया गया था, अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें, ठीक है, मिड पॉइंट फार्मूला। तो यहाँ से मिड पॉइंट फार्मूले का हम यूज़ करेंगे। तो मिड पॉइंट फार्मूला का यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देख लेते हैं। तो समझो, जैसे इसको मानेंगे x1, तो x1 की वैल्यू कितनी रखेंगे, 2। y1 की वैल्यू कितनी रखेंगे, x1 और फिर x2 की वैल्यू क्या होगी हमारी, 0 होगी, / 2। और इसके बाद में y1 की बात करें तो हमारा 1 है, प्लस y2 की बात करें तो 3 है, / 2। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो हमारे पास आ जाएगा, 2 से 2 डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा, 1, 2। तो 1, 2 इसके आ गए कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। इसी तरीके से हम ई के कोऑर्डिनेट्स ज्ञात कर सकते हैं। तो ई के अगर हम निकालें, ई के, तो x1 + x2 / 2, यानी कि इसमें आप किसी को भी x1 x2 मान सकते हैं। मान लो x1 मान लिया, या इसको x1 मान लो, तो 0 + x2 ये हमारा x2 हो जाएगा। तो 0 + 0 / 2 और फिर कॉमा y1 + y2, यानी कि 3 +
माइनस वन बाई टू, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये ज़ीरो ही आएगा पूरा, देख लो ये पूरा ज़ीरो आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तीन में से एक चला जाएगा तो दो बचेंगे, दो से दो कट गया तो क्या आया एक, ठीक है। इसके जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो ज़ीरो कामा वन आएंगे, ठीक है। अब हम f के निकाल लेते हैं निर्देशांक, तो f के निकालें तो f के लिए किसी को भी मान लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसको मान लो एक्स वन, तो ज़ीरो प्लस एक्स टू यानी कि टू बाई टू कॉमा वाई वन प्लस वाई टू माइनस वन प्लस माइनस और ये प्लस का वन, ठीक है, अपॉन टू। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, देखो दो में जीरो जोड़ेंगे तो दो ही रहेगा और दो बटे दो हो जाएगा, फिर काट देंगे तो कितना आ जाएगा एक आ जाएगा। फिर देखो यहाँ माइनस प्लस घट गया तो क्या बचा जीरो, और जीरो को दो से भाग करेंगे तो क्या आएगा जीरो ही आएगा, यानी इसके जो कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे तो वन कॉमा जीरो मिलेंगे। अब हमारे पास सारे कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं, अब इन कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से हमको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, और हमसे पूछा गया है कि इस रेड वाले ट्रायंगल का एरिया निकालिए और उसके साथ साथ दोनों क्षेत्रफलों का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है कि बड़े वाले त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकालना है और छोटे वाले त्रिभुज भी त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकालना है। अब देखो पॉइंट्स हमारे क्लियर हो चुके हैं, अब मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें पॉइंट्स ही ज्ञात करने थे। एक बार पॉइंट्स आ गए हमारे पास तो फिर हम इसको सिंपल रूप से लगा सकते हैं। तो देखो हमारे पास क्वेश्चन हमारे पास रहेगा, बाकी हम सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन थोड़ा बड़ा होगा तो मैं क्वेश्चन को भी मिटा रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन आपके पास होगा ही, ठीक है। तो क्वेश्चन भी आप लोग कायदे से देख लीजिएगा, क्योंकि हमें मालूम है हमें क्या ज्ञात करना है। तो अब मैं इसको मिटा देता हूँ, अब समझो। देखो हमसे बोला गया कि हम लगाएंगे यहाँ पर पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, एक बटे दो एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन और फिर प्लस एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू। ये हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है, ट्रायंगल का एरिया निकालने का। अगर मैं छोटे वाले ट्रायंगल की बात करूं तो लिखेंगे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसके क्षेत्रफल की बात करें तो हमारे पास क्या मिल जाएगा देखते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा अब यहाँ से लिख देंगे अब, ठीक है, वन बाई टू एक्स वन। तो इस ट्रायंगल की अगर हम बात कर रहे हैं डी ई एफ की, तो एक्स वन का काम करेगा हमारा क्या वन, ठीक है। तो एक्स वन की जगह पे क्या लिखेंगे, इसकी जगह पे वन लिखेंगे। चलिए मैं इसको आपको बता देता हूँ कि वैल्यू क्या क्या मिलेंगी यहाँ से। इसके लिए जो है एक्स वन इज इक्वल टू वन मिलेगा और वाई वन इज इक्वल टू टू, एक्स टू इज इक्वल टू आपका ज़ीरो हो जाएगा और वाई टू इज इक्वल टू आपका वन हो जाएगा, एक्स थ्री इज इक्वल टू आपका वन होगा और वाई थ्री इज इक्वल टू आपका ज़ीरो हो जाएगा। ये छोटे वाले त्रिभुज के लिए है, ठीक है। तो अब इन वैल्यू को रखो, देखो आपने रखना है यहाँ पर वाई टू, वाई टू का मान कितना रखना है वन, वाई थ्री, वाई थ्री की जगह क्या रखना है ज़ीरो, प्लस एक्स टू लिखा है, एक्स टू नहीं ज़ीरो लिखेंगे, ठीक है। वाई थ्री तो वाई थ्री की वैल्यू क्या रखेंगे ज़ीरो, माइनस वाई वन, वाई वन की वैल्यू टू रख दो, प्लस एक्स थ्री तो एक्स थ्री की वैल्यू रखेंगे, ठीक है, एक्स थ्री की वैल्यू क्या है वन है, वाई वन, वाई वन की वैल्यू क्या रखेंगे टू, माइनस वाई टू, वाई टू की वैल्यू क्या रखेंगे वन, और ये हमारा हो गया, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तो वन बाई टू मल्टीप्लाइड बाई यहाँ वन बचेगा तो वन ही आएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पर देखो ज़ीरो हो जाएगा, प्लस यहाँ से क्या निकल करेगा दो में से गया एक से गुणा एक ही आएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास वन बाई टू इंटू टू, अब टू से टू क्या हुआ कैंसिल आउट हो गया, तो एक वर्ग इकाई,
एक वर्ग इकाई किसका आ गया, छोटे वाले का आ गया, ये हमारे पास एक आंसर आ चुका है। फिर बोला था कि दोनों का रेशियो भी निकालो, तो दोनों का रेशियो निकालने के लिए हमें बड़े वाले का पता होना चाहिए, तो हम लिखेंगे अब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, ठीक है, एबीसी का क्षेत्रफल उसको भी निकाल लेते हैं। तो उसका कैसे निकालेंगे, उसका आपका आ जाएगा 1/2 एक्स वन, तो उसके लिए एक्स वन वाई वन की वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, जैसे कि उसके लिए हमारी वैल्यू क्या हो जाएंगी, उसके लिए एक्स वन बराबर हो जाएगा 2, ए से शुरू करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है, और वाई वन बराबर हो जाएगा -1, ओके, वाई वन बराबर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। और अगर हम बात करें एक्स टू की, वाई टू की, एक्स थ्री की और वाई थ्री की, तो भाई इसके लिए जो है आपका एक्स टू आप इसको मान लो 2 को, ठीक है, और वाई टू मान लो 1 को, एक्स थ्री आपको मान लेना है 0 और वाई थ्री आपका क्या हो जाएगा 3। अब इन मानों को क्या करना है, यहाँ पर रखना है इस सूत्र में, ठीक है, इसके लिए त्रिभुज एबीसी के लिए इस वाले फार्मूले में रखना, तो एक्स वन की जगह क्या रखेंगे 0, वाई टू, अब आपको देखो वाई टू माइनस वाई थ्री की वैल्यू रखो ना रखो, क्योंकि यहाँ पर तो 0 ही मिलेगा, 0 से गुणा करेंगे सब 0 ही होगा, फिर भी रख लो, वाई टू का मान 1 है, वाई थ्री का मान 3 है, प्लस एक्स टू की वैल्यू क्या है 2 है, ओके, वाई थ्री का मान 3 है और वाई वन का मान -1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स थ्री की वैल्यू क्या है 0, वाई वन की वैल्यू क्या है 1 और वाई टू की वैल्यू क्या है, वाई वन की -1 है, ठीक है, और वाई टू की वैल्यू क्या है, वाई टू की है 1, तो आ जाएगा -1। अब यहाँ से देखो क्या होगा आपके पास 1/2, ये पूरा प्रोग्राम 0 हो जाएगा, ये पूरा प्रोग्राम 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 4 × 2 = 8, 2 से काटेंगे तो 4 आ जाएगा, कुल मिला के हमारे पास आ जाएगा 4 वर्ग इकाई। अब आपसे उसने क्या बोला था कि दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात भी ज्ञात करो, तो फिर दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात यानी हम लिखेंगे अतः त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर, इसका रखेंगे वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू कितना आया था 1, रेशियो इसका वैल्यू कितना आया 4, तो ये हमारा रेशियो निकल के आ जाएगा, क्योंकि हमसे रेशियो भी पूछा था, तो हमने बहुत आसानी से रेशियो भी ज्ञात कर लिया, ठीक है, और इन दोनों के आंसर्स भी निकाल लिए। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब हम पढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि आपको एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, जबकि उसके जो शीर्ष हैं वो आपको दे रखे हैं। तो देखो ए के शीर्ष, बी के शीर्ष, सी के और डी के तीनों के दिए हैं, ठीक है। अगर हमें इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हम एक जुगाड़ लगाएंगे कि इस वाले ट्रायंगल का एरिया अलग निकाल लेंगे, इस वाले ट्रायंगल का एरिया अलग निकाल लेंगे, और दोनों ट्रायंगल के एरियाज को जोड़ लेंगे तो हमारे पास पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखो मैंने इनके मानों को यहाँ पर फटाफट लिख लिया है, ए बी डी त्रिभुज होगा उसके लिए ये मान लेंगे और बी सी डी त्रिभुज के लिए ये मान लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि दोनों त्रिभुजों के लिए लगा देते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल वाला फार्मूला। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे त्रिभुज ए बी डी, ठीक है, का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए बी डी के अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो वो क्या निकल कर आएगा, तो देखो सूत्र लगा देंगे 1/2 और यहाँ लिखेंगे एक्स वन, ध्यान से देखो -4, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा -4। फिर देखो अंदर क्या लिखा है, वाई टू माइनस वाई थ्री, वाई टू कितना है -5, वाई और वाई थ्री कितना है
जो है माइनस थ्री, तो माइनस फाइव और यहाँ बीच में माइनस, फिर वाई थ्री का मान कितना रखेंगे, थ्री रखेंगे, प्लस एक्स टू। तो एक्स टू को ध्यान से देखो माइनस थ्री है, यहाँ पर लिख दो माइनस थ्री, तो प्लस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस ही बन जाएगा, तो माइनस का थ्री आ जाएगा। फिर देखो वाई थ्री, वाई थ्री कितना है, थ्री है, तो वाई थ्री लिख दिया। फिर देखो वाई वन, वाई वन कितना है, माइनस टू, और यहाँ एक और माइनस है, तो माइनस माइनस क्या बना देगा, प्लस वाई टू आ गया, ठीक है। प्लस देखो एक्स थ्री है, एक्स थ्री कितना है, ये देखो टू है, टू रख दिया। फिर देखो वाई वन है, तो वाई वन कितना है, माइनस टू, तो माइनस टू रख लिया। फिर देखो वाई टू, वाई टू कितना है, माइनस फाइव, तो प्लस फाइव हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से क्या निकल के आएगा हमारे पास, वन बाई टू। अब देखो पाँच तीन कितना होता है, आठ होता ना, तो आठ का अगर हम चार से करेंगे तो आठ चौको बत्तीस, प्लस का वो भी, तीन दो कितना होता है, पाँच, पाँच तिया पंद्रह, तो माइनस का कितना आ गया, पंद्रह। फिर देखो पाँच में से दो गया कितना बचा, तीन, और तीन का दो से करेंगे तीन दूनी कितना हो जाएगा, छः। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना अच्छे से, एक बटे दो, अब देखो समझो पंद्रह और छः, ठीक है, तो पंद्रह में से छः चले गए, ऐसे घटा लो भाई, बारह में से पाँच गए कितने बचे, ऐसे घटा लो, बारह में से पाँच गए कितने बचे, सात बचे, यहाँ बचा दो, दो में से एक गया तो कितना बचा, एक बचा, अब सत्रह बचा, ठीक है, सत्रह काहे के होंगे, प्लस के। अब सत्रह में छः जोड़ लो, तो भैया सत्रह में अगर हम छः जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तेईस हो जाएगा ना, तो यहाँ ऊपर आ जाएगा तेईस बटा दो, कितना गया, वर्ग इकाई, ठीक है। तो ये जो हमारा आया ये किसका आया, ए बी डी का आया। अब हम निकालेंगे किसका, त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल, ठीक है, तो बी सी डी का जो क्षेत्रफल होगा उसके लिए भी सूत्र ये लगाएंगे, एक बटे दो, फार्मूला चेंज नहीं होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, एक बटे दो और एक्स वन, तो एक्स वन की वैल्यू क्या है, माइनस थ्री, ब्रैकेट में वाई टू माइनस वाई थ्री, तो वाई टू कितना रखेंगे, माइनस दो, और माइनस वाई थ्री कितना रखेंगे, माइनस का तीन, प्लस एक्स टू, एक्स टू का मान कितना रखेंगे, थ्री, और वाई थ्री माइनस वाई वन यानी कि तीन, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, थ्री प्लस फाइव, समझ में आ गई बात, प्लस एक्स थ्री, तो एक्स थ्री की वैल्यू कितनी है हमारी, दो है, दो रख दिया। फिर देखो वाई वन माइनस वाई टू यानी कि माइनस फाइव, माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ प्लस आ जाएगा। अभी इसको निकाल लेते हैं, तो एक बटे दो ये हो जाएगा पाँच, अब पाँच तिया कितना होता है, पंद्रह, प्लस का वो भी, इधर समझो आठ हो जाएगा, आठ तरीक चौबीस, यहाँ पे माइनस में आएगा भाई, तीन बचेगा और तीन दूनी छः होगा माइनस का, भैया देखो चौबीस में से छः चलेगा तो बचे अट्ठारह, ठीक है, और अट्ठारह और पंद्रह को अगर हम जोड़ लेंगे तो पाँच आठ पाँच तेरह के तीन हासिल एक और तैंतीस हो जाएगा, तो आंसर जो निकल के आएगा तुम्हारा वो तैंतीस बटे दो वर्ग इकाई, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या था, उसने पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा था, तो चतुर्भुज ए बी सी डी, ठीक है, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, कैसे, इसका 23 बटे दो आप प्लस कर लीजिए 33 बटे दो, तो जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 56 बटे दो, काटेंगे तो 28 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, 28 वर्ग इकाई, कितना निकल के आ जाएगा, 28 वर्ग इकाई, भाई 23 बटा दो और 33 बटा दो, तो दो लासा मिल गया और ऊपर 56 हो गया, 56 को दो से काट दिया तो 28 वर्ग इकाई हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, अगर क्वेश्चन समझ में आया तो फिर वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि पाठ 9 और कक्षा 9 की किताब का सिस्टम बता रखा है इसने कि कक्षा 9 में पाठ 9 के उदाहरण 3 कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में बांटती है। उस त्रिभुज ABC के लिए परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष ये दिए गए हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं जो वहाँ पर दिया हुआ है। जब आप उसको देखेंगे तो वहाँ पर आपको इस तरीके से त्रिभुज दिया होगा ABC, त्रिभुज ABC। ठीक है, और उसकी एक माध्यिका है जो उसे बराबर भागों में क्या करती है, बांटती है, बराबर भागों में बांटती, ऐसा आपको चेक करना है। ठीक है, तो इसका जो शीर्ष दिया है वो 4, -6 दिया है, अब बी के जो दिए हैं वो 3, -2 दिए हैं, और जो सी के दिए हैं वो 5, 2 दिए हैं। तो भैया अब बात आती है कि डी के कैसे निकाला जाए, तो डी के निकालने के लिए मिडिल पॉइंट का फार्मूला लगाएंगे, है कि नहीं, मिड पॉइंट फार्मूला। तो मिड पॉइंट फार्मूले की अगर हम बात करें तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है हमारा, मिड पॉइंट फार्मूला जो है वो होता है x1 + x2/2 और कॉमा y1 + y2/2। तो फटाफट यहाँ लगा देंगे तो x1 का मान कितना रखेंगे, 3, और 5 देंगे तो 8, 8/2 काटेंगे 4 आ जाएगा। ठीक है, और ये माइनस कट जाएगा 0 आ जाएगा, तो 4, 0 मिल जाएगा, 4, 0 ये मिल गया। अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसका कोई काम नहीं। अब ये मिल गया हमारे पास, अब हमको क्या करना है कि इस वाले का अलग ज्ञात करना है, इस वाले का अलग ज्ञात करना है। अगर ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आता है तो हमारी वो बात सही है, ठीक है, सत्यापन हो जाएगा। अगर नहीं आता है तो सत्यापन नहीं हो पाएगा, फिर आपको फिर से करना पड़ेगा। तो चलिए हम बिना समय गंवाए फटाफट कर लेते हैं। ठीक है, तो 1/2 x1 और y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 और y1 - y2, ये रहता हमारा सूत्र। ठीक है, तो इसके लिए हम बात करेंगे त्रिभुज ABC के लिए, त्रिभुज ABC के लिए। ठीक है, हम सबसे पहले किसके लिए बात करेंगे, हम बात करेंगे त्रिभुज ABC के लिए। तो इसके लिए अगर हम बात करें तो हमारे पास x1 बराबर हो जाएगा कितना, x1 बराबर 4 हो जाएगा, और x2 बराबर हमारे y1 बराबर, ठीक है, y1 बराबर -6 हो जाएगा, और x2 बराबर हो जाएगा 3, और y2 बराबर हमारे पास हो जाएगा -2, x3 बराबर हमारे पास हो जाएगा 4, और y3 बराबर हमारे पास हो जाएगा कितना, 0। ठीक है, अब इन मानों को क्या करना है, इस वाले फार्मूले में पुट कर लेना है, 1/2 दिख रहा होगा x1, x1 की जगह क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। ठीक है, फिर देखो y2 - y3, y2 कितना है, -2, y3 कितना, 0, तो -2 ही तो निकल के आएगा। ठीक है, प्लस फिर देखो x2 लिखा है, x2 की वैल्यू कितनी है, 3, और y3 - y1 यानी कि 0 माइनस, फिर ये माइनस तो एक और माइनस तो प्लस हो जाएगा ना, तो 6 ही आएगा निकल करके। उसके बाद में देखो प्लस का x3 लिखा है, x3 की वैल्यू कितनी है, x3 की 4 है। ठीक है, फिर लिखेंगे y1 - y2, भैया माइनस का 6 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि यहाँ एक माइनस है एक यहाँ माइनस है, तो क्या बन जाएगा, प्लस। तो माइनस के 6 में से प्लस के 2 घटा देंगे तो 4 बचेगा माइनस का, तो माइनस का 4 आ जाएगा। थोड़ा सा डायरेक्ट करना सीखो अब, ठीक है, तो 1/2 ये हो जाएगा 4 × 8, ये हो जाएगा 6 × 3 = 18, और ये आ जाएगा 4 × 16 का है कि माइनस के। ठीक है, अब देखो 18 में से 8 चला गया तो कितना बचा, 18 में से 8 गया तो कितना बचा, 10, वो भी प्लस का, और 16 में से 10 चले जाएंगे तो जाएगा माइनस का 6। तो 1/2 अगुड़े माइनस का 6, तो 2 × 3 = 6, तो कितना आया, माइनस का 3। अब मैंने कहा था माइनस छोड़ देते हैं, ठीक है, तो 3 वर्ग इकाई कितना आया, 3 वर्ग इकाई, क्षेत्रफल में माइनस नहीं लिया था, ध्यान देना। तो 3 वर्ग इकाई किसका आ गया, ABC का आ गया। ठीक है, 3 वर्ग ABC का आ गया। अब हम इसी तरीके से निकालेंगे त्रिभुज किसका, त्रिभुज ADC का है, त्रिभुज ADC, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। ठीक है, तो उसके लिए जो है आप x1 y1 ये सब मानना पड़ेगा आपको। ठीक है,
तो एक काम करते हैं, पहले यहाँ पर इसको मिटा देते हैं क्योंकि ये आपने लिख लिया होगा, नहीं लिया तो दिखा दे उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आप समझो ये मालूम है कितना 3 आया है, ठीक है, ध्यान रखना इसको। अब इसके लिए निकाल लेते हैं, तो इसके लिए हमारे पास हो जाएगा यहाँ से एक्स वन बराबर, तो एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री। जब तक ये वैल्यू नहीं पता आप नहीं लगा पाओगे सवाल, तो पहले वैल्यू निकालना सीखो। तो भैया एक्स वन हमारा कितना रहेगा 4, वाई वन रहेगा -6, एक्स टू कितना रहेगा, इस बार बात आई है ए सी ए डी सी की, ठीक है, तो इसकी हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 0 और नेक्स्ट होगा 5 और हो जाएगा 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एरिया निकालेंगे, ठीक है, इसका एरिया ए डी सी का, तो 1/2 और फिर एक्स वन, तो एक्स वन का मान रखेंगे 4, वाई टू माइनस वाई थ्री यानी कि 0 - 2, तो माइनस का 2 निकल के आ जाएगा, प्लस एक्स टू, एक्स टू का मान क्या रखेंगे 4 और वाई थ्री माइनस वाई वन यानी कि 2 में से ये घटेगा, तो एक तो ये माइनस का है और फिर से माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 2 + 6 कितना होता है 8 होता है। फिर देखो प्लस का एक्स थ्री, एक्स थ्री का वैल्यू कितना है 5 है, और देखो वाई वन माइनस वाई टू, तो वाई वन माइनस वाई टू मतलब -6 और -0, तो भैया 6 माइनस के केवल आएंगे क्योंकि 0 से कोई मतलब ही नहीं है, तो 1/2, 4 × 2 कितना हो जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4/8 = 32 और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 5 × 30। अब 32 में से 30 गया तो कितना बचा भाई, 32 में से अगर हम 30 घटा दें तो हमारे पास प्लस का 2 बचेगा, किसका 2 बचेगा प्लस का 2, तो प्लस के 2 हैं, ठीक है। अब इसमें से भी घटा दो तो हमारे पास क्या आएगा 1/2 गुणे -6 बचेगा। अब इसको कर लो, ठीक है, तो ये भी कितना आएगा माइनस का 3 आएगा, और माइनस छोड़ने पर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। पहला वाला भी कितना आया था 3 आया था, यानी दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या है बराबर है, यानी जो माध्यिका डाली जाती है वो दोनों त्रिभुजों को जो है समान भागों में बांटती है, सत्यापन हो गया, यानी ये बात सही है, ठीक है। तो हमने जो है आज एक्सरसाइज 7.3 को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है स्टूडेंट, एक क्वेश्चन हो गया, सॉल्व हो गया, एक्सरसाइज 7.3 हमारी कंप्लीट हो गई है, यानी इसी के साथ हमारा निर्देशांक ज्यामिति का चैप्टर समाप्त होता है। अब हम पढ़ेंगे कल से द्विघात समीकरण। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक किया करिए, और कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए है, कमेंट किया करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करवाई जा सके, क्योंकि जो चैप्टर्स हट गए हैं उन्हें मैं नहीं पढ़ाने वाला, ठीक है, जो चैप्टर्स हैं आपके सिलेबस में जो टॉपिक्स हट गए उन्हें नहीं पढ़ाएंगे, जो टॉपिक्स और जो सिलेबस में आपके चैप्टर्स हैं सिर्फ उन्हीं को पढ़ाया जाएगा। तो बहुपद आपका हट गया है, समांतर श्रेणी हट गया है, ठीक है। अब हम आपको पढ़ाएंगे कल से द्विघात समीकरण, ठीक है। ये चैप्टर जो है ऐसे ही अच्छा लगता है तो मैंने इसको पढ़ा दिया बीच में आकर के, वैसे क्रम से ही चलेंगे, ठीक है। आपको पढ़ाया जाएगा पहले द्विघात समीकरण, उसके बाद में आपको पढ़ाया जाएगा त्रिभुज, ठीक। तो चलिए इसी के साथ नमस्कार, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।